देखिए एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि आपका जो WBG का जो काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी लंबा चलने वाला है। मतलब आप देख सकते हो जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है अभी तक स्टार्ट हुआ है नहीं, काफ़ी लेट से स्टार्ट होने वाला है। एंड जो लास्ट राउंड है फेज़ वन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फेज़ वन है, फेज़ टू है, ओके। तो फेज़ वन का जो लास्ट राउंड विच इज़ मॉपअप राउंड, आपका तीन राउंड है, आप तीन राउंड बोल सकते हो, लाइक पहला जो राउंड है वो है अलॉटमेंट, सेकेंड है अपग्रेडेशन एंड थर्ड हो गया मॉपअप। तो मॉपअप तक ख़त्म होते होते मतलब पहले ये लग रहा था कि आपका सितंबर में हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी लाइक इतना जो डिले हो चुका है, इतना डिले होना चाहिए नहीं था। मतलब जैसे उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो कि एक महीना पहले आया था जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, तो अभी इतना डिले होने के बाद मुझे ही लगता है कि आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सितंबर में ही ख़त्म हो जाएगा। आपका और डिले हो सकता है। एंड आप अगर देखो तो यहाँ पर लाइक वेस्ट बंगाल में सबसे मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 7 डेज का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऑफिशियल वर्क होगा ही नहीं। ऑब्वियसली जो भी कुछ प्रोसेस है वो तो ऑनलाइन हो ही रहा है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए या एडमिशन के लिए कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, तो कॉलेज तो बंद ही रहेंगे, ठीक है। तो उस वक्त लाइक ये सब ऑफिशियल वर्क होना पॉसिबल है ही नहीं। तो मान के चलिए कि आपका एटलीस्ट 7 डेज का ऑफ रहेगा, मतलब सितंबर का एंड से स्टार्ट होगा एंड देन अक्टूबर का फर्स्ट वीक्स तक रहेगा। एंड कुछ कुछ और फेस्टिवल्स हैं तो उसको देखते हुए भी हो सकता है थोड़ा और इंक्रीज़ कर जाए जो फेस्टिवल का जो ऑफ है, ओके। तो मान के चलिए कि आपको लाइक मैक्सिमम 10 डेज का ऑफ या मिनिमम 7 डेज का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड इसके कारण क्या हो सकता है, आपका जो काउंसलिंग है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को ना ख़त्म करके आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक ख़त्म होने वाला है। मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना जल्दी खत्म होने वाला है नहीं काउंसलिंग का जो प्रोसेस है। एंड ये देखा जाए तो आपके लिए एक तरह से बेनिफिट है क्योंकि आपका सब कुछ एक साथ चल रहा होगा, आपका जोशा चल रहा होगा, कॉमेट की कभी काफ़ी डिले हो चुका है एंड WBG का भी लाइक काफ़ी डिले हो चुका है, तो एक साथ चल रहा है तो हो सकता है बच्चे शिफ्ट काफ़ी करेंगे, इधर से उधर करेंगे, ठीक है। मतलब उनको राउंड वन में ही एक आइडिया मिल जाएगी मुझे क्या मिल सकता है एंड फर्दर वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। एंड मतलब देखो मैं एक पत बता दूँ कि मॉपअप में पार्टिसिपेट जरूर करो अगर आपका रैंक काफ़ी पुअर है, तो आपका रैंक पुअर है तो मॉपअप को मिस मत करना। मे बी आपको जो राउंड टू तक जो कॉलेज मिले उससे बेहतर मिल जाए मॉपअप में, चॉइस फिलिंग काफ़ी बढ़िया से करना। वैसे हम लोग का एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, लाइक जो बच्चे का जितना भी रैंक आया है एंड उस रैंक पर आपके लिए कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा, एक कंप्लीट गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं। एंड लाइक फेज़ वन हो गया, फेज़ टू हो गया, डी सेंटर्स हो गया, तो ये सारे तीनों लाइक काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है। तो जो बच्चे लाइक इंटरेस्ट है हम लोग का जो पेड काउंसलिंग पूरा में, तो आप रजिस्टर कर सकते हो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो लिंक का फॉलो कीजिए, कैसे क्या करना है सब कुछ बता दिया गया। एंड जैसे ही रजिस्टर करते हो तो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है आप सारे बच्चों को एंड कोशिश किया जाता है कि आपका जो भी रैंक है उस रैंक पर आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके ताकि आपका जो डिसीजन है ना वो परफेक्ट हो सके। तो देखो अब बात है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, तो एक चीज़ समझ गए कि आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है यानी कि मॉपअप है वो ख़त्म होते होते सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तो लग ही जाएगा, उसके पहले आई डोंट थिंक कि कंप्लीट होने वाला है अभी तक का जो सिचुएशन है, ठीक है। मतलब इतना डिले हम लोग एक्सपेक्ट किए नहीं थे, जैसे कि बताया जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो 15 अगस्त के करीबन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो काफ़ी एक्सटेंड हो चुका, मतलब पता नहीं कब क्या होने वाला है। कॉलेज कब स्टार्ट होगा, तो देखो कॉलेज फेज़ वन के पहले तो स्टार्ट होने ही वाला है नहीं। काफ़ी लोग लाइक बोल रहे हैं कि मतलब आप बात कीजिए कॉलेज से ना, कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, अरे कॉलेज स्टार्ट होगा नहीं रेगुलर फ्लो में, ठीक है, जब तक फेज़ वन कम्प्लीट होगा नहीं। फेज़ टू जो है ना फेज़ वन के बाद होगा, फेज़ टू एंड फेज़ वन दोनों अनकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक फेज़ वन फेज़ टू एक साथ हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेज़ वन होने के बाद ही फेज़ टू स्टार्ट होगा। अब फेज़ टू तक क्या रुकेंगे कॉलेज, तो आई डोंट थिंक कि फेज़ टू तक रुकेंगे कॉलेज, मे बी रुक सकते हैं डिपेंडिंग कि लाइक कॉलेज का क्या मतलब क्यूरिकुलम है, कैसा लाइक उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, लेकिन फेज़ वन के बाद ही आपका कॉलेज ओपन होगा। तो आप एक चीज़ लाइक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो कॉलेज का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे ना, ठीक है, तो आपका जो कॉलेज है वो फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा या नवंबर का फर्स्ट वीक ऑफ से स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर का फोर्थ वीक या नवंबर का फर्स्ट वीक, मतलब कुछ वैसा स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम का क्या होगा, मतलब जनरली जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर में होता है, ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम जो कॉलेजेस है, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम का देखो हो सकता है आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए, और जैसे मान लीजिए दिसंबर में जो होता है एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब कि जो ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है फेव में एक्सटेंड हो जाए, या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा लिया जाए सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए,
बाकी जो आठ सेमेस्टर के बच्चे लाइक थर्ड फिफ्थ सेवेंथ उनका तो लाइक जैसा ऑफलाइन एग्जाम होता है वैसे ही होगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, कोविड मतलब कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं बात कि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए या हाइब्रिड मोड होगा। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप एग्ज़ाम का एक्सटेंड हो जाएगा एंड आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, या आपका दिसंबर में होगा लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा लीजिएगा। तो ये वेरी कर सकता है, मतलब डिपेंडिंग मतलब कॉलेज की, कॉलेज लाइक मकाउट के अंडर में आता है तो मकाउट का रूल फॉलो करेगा, ऑटोनमस है तो वो अपना रूल फॉलो करेगा। लेकिन आप अगर ऑटोनमस में जाते हो तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी। लाइक कौन कौन सा ऑटोनमस है आपका, जैसे ये हेरिटेज हो गया वो ऑटोनमस है, ठीक है, एंड कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेज ऑटोनमस है, तो एग्ज़ाम वो पता ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाएंगे। मकआउट लाइक हो सकता है कि एग्ज़ाम को डिले करवा देगा एंड या तो एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा देगा या हाइब्रिड मोड होगा, मतलब कि दोनों ही लाइक प्रैक्टिकल जो है वो आपका ऑफलाइन एंड जो थ्योरी है वो आपका ऑनलाइन, तो ये वेरी कर सकता है। तो अभी के लिए जो पेरेंट एंड जो स्टूडेंट पूछ रहे कि कॉलेज कब स्टार्ट होगा, तो कॉलेज आपका सेकेंड वीक अक्टूबर तक तो स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो आप मान के चलिए कि आपका जो कॉलेज है वो फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। एंड फेज टू जो है, फेज टू लाइक जो बच्चे WBG बच्चा परफॉर्म नहीं किए लेकिन JEE में अच्छा परफॉर्म किए, तो आपका लाइक जो काउंसलिंग है, जो फेज टू है जो काउंसलिंग है, वो लाइक फेज वन के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ओके?